श्री राम मंदिर में कार्तिक मास के अंतिम दिन भगवान शिव का दीप महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद पूरे मंदिर में 21,000 दीप जलाया गया। इसके लिए पूरे मंदिर परिसर में टेबल पर दीपों को सजाया गया था, जहां सभी साउथ इंडियन समाज की महिला, पुरुष एवं बच्चे मोमबत्ती लेकर खड़े थे। जैसे ही भगवान शिव की अर्चना समाप्त हुई, सभी श्रद्धालुओं ने दीप जलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा मंदिर परिसर में दीपों से जगमगा उठा। वहीं महिलाओं का कहना था कि कार्तिक मास के अंतिम दिन प्रत्येक वर्ष दीपोत्सव का आयोजन होता है। इसको लेकर ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति सालों भर दीप नहीं जलाता, वो इस दिन जलाए तो सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। क्या कर रही है वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन में यहाँ पे लगाते हैं हमेशा राम मंदिर में, तो वही सब जला रहे हैं। इस दीप का बारे में, ये तो आज चौथा सोमवार है और आज द्वादशी है, कल अमावस्या। पानी के लिए पहले आज अच्छा दिन है करके दिया लगाता है। आज शिव जी का पास में दिया लगाना जरूरी होता है, जितना दिया लगाएंगे उतना अच्छा। ये ना कार्तिक दीप है, साल में एक बार कार्तिक महीना में अमावस्या दिन कार्तिक दीप लगाता है। यानी काशी में हो, कालास्ती हो, कहाँ भी यही होगा। ये ना हम लोग को भगवान मैंने दीप लगाते, ये मुक्ति है, हो गया ना बाबा।